कहते हैं कि समुद्र मंथन से निकले हलाहल कालकूट विष का पान करने के बाद जब भगवान शिव पर विष का प्रभाव बढ़ रहा था, तब इसी स्थान पर उन्होंने तपस्या कर काल की गति को मार दी। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ब्रज और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे अपने YouTube चैनल अद्भुत जर्नी पर। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आप सभी को कालिंजर के किले में स्थित नीलकंठ महादेव मंदिर की यात्रा पर ले चलेंगे। तो आइए चलते हैं। भगवान शिव के द्वारा काल पर विजय प्राप्त करने के कारण ही इस स्थान का नाम कालिंजर पड़ा। पुराणों के अनुसार कालिंजर दुर्ग के पश्चिम भाग में स्थित इस रहस्यमय नीलकंठ महादेव मंदिर का निर्माण नागों के द्वारा कराया गया था। नीलकंठ महादेव मंदिर में एक मुखी स्वयंभू शिवलिंग है जिसके गले से लगातार पानी रिसता रहता है। स्थानीय लोगों की मान्यता है कि यह भगवान शिव के कंठ में स्थित कालकूट विष है जो पसीना बनकर रिसता है। शिवलिंग पर उकेरे गए भगवान शिव की मूर्ति के कंठ का क्षेत्र स्पर्श करने पर यह सदा ही मुलायम प्रतीत होता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस रहस्यमय शिवलिंग को भगवान शिव के नीलकंठ अवतार का भी प्रतीक माना जाता है। सीढ़ियों से नीचे उतरकर जैसे ही हम मंदिर के प्रांगण में प्रवेश करते हैं तो हमें पहाड़ी चट्टानों पर शिल्पकला की अद्भुत कलाकृतियाँ नजर आती हैं जिन्हें देखकर हमारी थकान पल भर में गायब हो जाती है। इन्हें देखकर यह स्पष्ट हो जाता है कि प्राचीन काल में भारतीय शिल्प कला को पूरे विश्व में उच्चतम स्थान प्राप्त था। मंदिर के बाहर चबूतरे पर एक आयताकार मंडप बना हुआ है और उसके नीचे एक यज्ञ वेदी है। वास्तुशिल्प की दृष्टि से यह मंडप चंदेल शासकों की अनोखी कृति है। इस रहस्यमय मंदिर के प्रवेश द्वार के ऊपर पत्थर का एक तिलिस्मी दरवाजा नजर आता है। इसे देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि प्राचीन काल में यह किसी तंत्र या यंत्र से खुलता होगा। मंदिर के बगल में काल भैरव की बहुत ही आकर्षक प्रतिमा है जिसे विशाल चट्टान को काटकर बनाया गया है। मंदिर के ऊपर पहाड़ी चट्टानों को काटकर दो कुंडों का निर्माण किया गया है जिसे स्वर्गारोहण कुंड कहा जाता है, जिसके जल से प्राकृतिक रूप से मंदिर में स्थित शिवलिंग का अभिषेक निरंतर होता रहता है। दोस्तों, कालिंजर के किले में स्थित नीलकंठ महादेव मंदिर की यह यात्रा आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। बुंदेलखंड की मिट्टी की धरोहर सीरीज के तहत हमारा तीसरा ऐतिहासिक स्थल है गरकुंडार का किला। तो दोस्तों, मिलते हैं गरकुंडार के किले पर। तब तक के लिए नमस्कार।